देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बात करते हैं मेंथा की कि मेंथा में तेजी का कारण क्या है। तो बता दें किसानों को मेंथा के दाम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे थे, जिससे किसानों ने दूसरी फसलों की ओर रुख किया है। इसी का नतीजा है कि इस बार मेंथा की बुआई के रकबे में कमी देखने को मिली है। भारत मेंथा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में यूपी में सबसे ज़्यादा मेंथा की खेती होती है। यूपी देश में पूरे मेंथा उत्पादन में लगभग 80% का योगदान देता है। वहीं पश्चिमी यूपी के जिले संभल, रामपुर, चंदौसी और बाराबंकी प्रमुख मेंथा उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं बात करें अगर वायदा बाजार की, तो वायदा बाजार में मेंथा में कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दी है। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक मेंथा के फंडामेंटल्स अभी मजबूत हैं। इस बार भारत में मेंथा की बुआई कम रह सकती है। वहीं BASF जो दुनिया में सिंथेटिक मेंथा का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसने कहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से एनर्जी समेत अन्य चीजों की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते वह अपने सिंथेटिक मेंथा का उत्पादन कुछ समय के लिए रोक सकता है। इसी के चलते मेंथा में तेजी बनी है। वहीं अजय केडिया के अनुसार मेंथा में पॉजिटिव ट्रेंड है। MCX पर मेंथा की कीमत जब तक 1080 के ऊपर बनी हुई है, तब तक 1180 से 1200 तक का स्तर इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी ये थी बात की मेंथा की, कि मेंथा का ये कारण था। तो और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।